मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर पे मैंने आज आपको चैप्टर वन के क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं करने के लिए। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर्स में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर है ब्लेज पास्कल। उन्होंने क्या फर्स्ट मैकेनिकल जो कैलकुलेटर है वो इन्वेंट किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन वर्ड का मीन, जो कंप्यूटेशन वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं वो बताना है। तो कंप्यूटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग वर्ड्स और नंबर बाय अ डिवाइस और पर्सन। क्या कंप्यूटेशन मीन्स होता है कि किसी वर्ड्स और नंबर को कैलकुलेट करना किसी डिवाइस या पर्सन के थ्रू। कंपटीशन इसका बेसिकली मीन्स होता है कंपटीशन का कैलकुलेशन। ठीक है, व्हाट इज़ पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड इज़ अ कार्ड विच कैन बी यूज टू फीड बाइनरी इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम। पंच कार्ड एक कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी इंस्ट्रक्शन को फीड करने में काम आता है। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो ये आपको लर्न एंड राइट करना है नोटबुक में। तो थर्ड क्लास आज आप मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबर हैं 40, 20, 10, 60, 80, 50। तो इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो देखो इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है, 20, तो लिखेंगे 20। देन उसके बाद क्या है, 40, तो लिखेंगे 40। देन क्या है, 50, तो लिखेंगे 50। फिर है 60, फिर सबसे बड़ा नंबर हमारा है 80। तो यहाँ पे हम क्या छोटे से बड़े की तरफ चले ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में यही होता है कि छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बाकी के चार क्वेश्चन हैं, आप अपने आप करोगे। अब यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर देख लो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े से छोटा। तो यहाँ पे देखो सबसे इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 921 है ना सबसे बड़ा। तो सबसे पहले हम 921 लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 794 ये लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन सा है, 504 लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन सा है, 466 लिखेंगे। फिर उससे छोटा है 238, तो 238 लिखेंगे। फिर सबसे छोटा है हमारा 209, तो 209 लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलो अब अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो आज हम जीके में पढ़ेंगे फीडिंग टाइम। ये आपका चैप्टर 2 है, उससे रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे पर्टिकुलर एनिमल्स के नाम लिखे हैं और वो क्या खाते हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला है एलिफेंट। एलिफेंट क्या खाता है, शुगर केन। लिजार्ड, लिजार्ड क्या खाती है, इंसेक्ट। काव क्या खाती है, ग्रास। पेंगुइन, फिश। ईगल, माउस। स्पैरो, ग्रेन्स। टाइगर, मीट। जिराफ, लीव्स। तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको लर्न भी करना है नोट डाउन करने के साथ साथ। और हाँ, आज के लिए बस इतने, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।